नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स वेजिटेबल। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। प्याज, लहसुन, टमाटर, गोभी, मटर, बीन्स, तेज़पत्ता, गाजर, पनीर, अदरक, हल्दी, कैशनट पेस्ट, नमक, देगी मिर्च, सूखा धनिया, किचन किंग मसाला, गरम मसाला। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं अपनी मिक्स वेजिटेबल। सबसे पहले हम इस पैन की गैस नीचे से खोलेंगे और इसमें ये जो गोभी हमने काट के रखी है छोटे छोटे पीसेस, ये डाल देंगे। ये धोकर हमने रखी हुई है। ये बीन्स भी हमने वॉश करके रखी हुई है, ये भी डाल देंगे। और ये गाजर भी डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे पानी थोड़ा। और इसमें ये जो हमारे पास मटर है थोड़े से, ये भी डाल देंगे। इसको हिलाएंगे और इसको ढककर हम एक दो बॉयल डालेंगे। अब हम दूसरी साइड गैस की ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई हम अपनी गरम करेंगे और मसाला बनाने की तैयारी करेंगे। ये दो मीडियम साइज़ के प्याज हमने पीस लिए हैं। इसमें हमने 3-4 पीस तुरियां लहसुन की भी डाली हैं। अब हम इसको थोड़ा रिफाइंड डाल के अपनी कढ़ाई में तकरीबन 1 कड़छी रिफाइंड की है ये डाल देंगे। हमने ब्राउन करना है। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच सूखा धनिया, 1/2 चम्मच। ये देखिए एक साइड पे हमारी सब्जियां जो है ये बॉईल होने वाली हैं। इसको हम कुछ देर के लिए रखेंगे गैस पे। और मसाला हम अपना ब्राउन करेंगे। ये मसाला हमारा ब्राउन हो रहा है और ये सब्जियां भी हमारी तकरीबन होने वाली हैं। इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता, ये जो हमने काट के रखे हैं अदरक के जुड़ियन, ये डालेंगे। कैशनट पेस्ट है, ये हम डालेंगे 1/2 चम्मच। इसको हिलाएंगे। किचन किंग मसाला डालेंगे 1 चम्मच। गरम मसाला 1/3 स्पून। 1/3 स्पून डालेंगे हम देगी मिर्च की। आधे चम्मच से थोड़ा कम नमक डालेंगे। 1/3 स्पून हल्दी का डालेंगे और इसको हिला लेंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे टमाटर, ये तो हमने पेस्ट बना के रखी है टमाटर की। ये लगभग 3 टमाटर की पेस्ट है, ये हम डालेंगे इसमें। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। और इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये हमारी जो सब्जियां बॉईल करने के लिए रखी हैं ये हो चुकी हैं। गैस बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे। ये हम मसाला देखेंगे। मसाला हमारा तकरीबन हो चुका है।
इसमें मेन हम डाल देंगे सब्जियां हमने बॉईल करके इसमें छान ली हैं, ये हम इसमें डालेंगे। हम देखेंगे कि जो बीन्स हैं ये गल गई हैं अच्छे से, ये हमने इसमें डाल लेनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना। हमने इसे अच्छे से मिला लिया है, अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर रखेंगे। ज़्यादा देर हमने इसको नहीं रखना है गैस पे, क्योंकि सब्जियां ऑलरेडी गली हुई हैं, इसलिए हमने इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट तक रखना है। पहले हम इसको हल्की गैस पे रखेंगे, फिर हम गैस उसकी तेज़ कर लेंगे। अभी 5 मिनट हल्की में इसको होने देंगे। अब हम इसको देखेंगे, ये तकरीबन हो चुकी है, गैस तेज़ कर लेंगे। और ये जो हमने पनीर के पीसेस काट के रखे हैं ये हम इसमें डाल देंगे। पनीर हमने लास्ट में डालना है, ये देखिए हमने पनीर डाल लिया है। एंड में हम चाहें तो डाल सकते हैं इसमें 1 चम्मच देसी घी का, छोटा चम्मच देसी घी का डालना है। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आए हैं, आपने और ज़्यादा फ्लेवर लाना है तो थोड़ा 1 चम्मच अमूल बटर का भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमारी ये मिक्स वेजिटेबल अब रेडी है, हम इसको सर्व करेंगे। गैस बंद कर देंगे और अपने बोल में डालेंगे। हमारी ये मिक्स वेजिटेबल अब रेडी है, इसमें अब हम थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इसको गरम गरम सर्व करेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को बना के देखिए, ट्राई करिए। अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।